नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश चंचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। हमारी खबरें लगातार पाने के लिए आज ही YouTube से सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें प्रदेश चंचल। बहुत कहा है नहीं मैं कहाँ घर बसाएंगे, इसलिए आप बहुत इंटरव्यूज आज तक इत्यादि में भी कई इंटरव्यूज आए हैं। मैंने बार बार यही बात कही है, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं एक साधारण सी लड़की हूँ जिसे भगवान से बहुत प्यार है, बहुत भक्ति है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है भगवान की कथाएँ करना, भक्ति में रहना, भजन गाना, बस यही है। बाकी आप जैसे जीवन जीते हैं मैं भी वैसे ही जीऊँगी। घर भी बसाना है पर उसमें समय है। कृष्णा, पहले तो सभी को शुरुआत मैंने, मैं 6 वर्ष की थी तब मैंने पहले भजनों से शुरुआत की थी। कुछ वर्ष भजन गाए और फिर 9 साल के आसपास, 9 साल पहले मैंने पहली कथा करी अपनी नानी बाई का मायरा। और ये कथा स्वामी, आप सभी ने नाम सुना होगा, श्री राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने शुरुआत करी थी मायरे की। और मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, वो उनकी कथा बहुत सुनते थे। तो जैसा आपने कहा प्रेरणा कहाँ से मिली कथा करने की, तो सुनकर वो बहुत रोते थे। उस समय कैसेट आती थी, उनकी सीडीज थी नहीं, तो क्योंकि बच्चे हैं समझ नहीं आता है और पूछने में भी फिर उस समय लगता था क्यों रो रहे हैं। पर एक दिन पूछा मैंने कि आप रोते क्यों हैं, ऐसा क्या सुन रहे हैं, और मुझे भी सुनाइए। तो मैंने उस समय वो सुना। मैं ये नहीं कहूँगी मुझे सब कुछ समझ में आ गया था एक बार में, पर बस एक ख्याल आया कि जो भी है मुझे ये करना है। क्योंकि ये बात है कि मैं भजन बचपन से गा रही थी, भक्ति मन में थी मेरे बहुत, तो मैंने कहा कि मुझे ये करना है। बाकी समय मुझे 1.5 साल लगे उसको फिर पूरी तैयारी करने में, कथा का रूप देने में। पर 1.5 साल बाद मैंने अपनी पहली कथा आरम्भ कर दी और उसके बाद फिर मैं गिनती नहीं करती, 282 के आसपास मायरा और भागवत 38। भागवत जी भी मैंने कुछ साल पहले उसकी शुरुआत करी, क्योंकि 12th तक मैंने भागवत नहीं करी थी। मैंने अपने एजुकेशन भी कंप्लीट की है, ग्रेजुएशन किया है, तो क्लास 12th तक आपको 7 दिन की छुट्टी मिलती नहीं है। 3 दिन तो आप सैटरडे संडे बीच में लाकर निकाल लेते हैं, तो 7 दिन की छुट्टी नहीं मिलती थी। क्लास 12th के बाद मैंने भागवत जी की शुरुआत करी थी। तो मैं देखिए, पहली बात तो मैं ये नहीं कह सकती मैंने मार्ग निकाला है, क्योंकि 6 वर्ष की लड़की मार्ग नहीं निकाल सकती। उस समय हम सोचते भी नहीं है कि करियर क्या होगा। तो शायद ये कहे कि ये भगवान की कृपा थी कि उन्होंने उसी उम्र से एक राह दिखा दी थी मुझे, और वो धीरे धीरे, आप जब बचपन से ही आपकी रुचि उस क्षेत्र में है तो फिर आप बड़े होते होते आपकी रुचि बढ़ती जाती है और फिर आप उसी क्षेत्र में चीज़ें देखने लगते हैं कि आगे इस क्षेत्र में ही क्या करना है। पर हाँ, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि एजुकेशन छोड़ दें, मैंने भी अपनी बेसिक एजुकेशन कम्प्लीट की है, ग्रेजुएशन किया है। तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएँ जहाँ आपकी इच्छा है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल कूद हो, इत्यादि हो। मेरी इच्छा भक्ति के क्षेत्र में ज़्यादा थी तो मैं उसी क्षेत्र में गई, लेकिन अपनी एजुकेशन सभी कंप्लीट करें, मैंने भी करी है। हाँ, नानी बाई के पिताजी का नाम नरसी मेहता है। उपयोग है भगवान पर भरोसा, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, हम पहली बात तो भगवान को स्वार्थ के लिए ज़्यादातर लोग मनाने लग गए हैं कि जब काम होता है तब भगवान की याद आती है, और काम ना हो तो हम भगवान बदल लेते हैं कि यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा, कहीं और प्रसाद चढ़ा कर देखते हैं, कहीं और जाकर देखते हैं। तो नरसी जी की कथा आपको सिखाती है, उन पर बहुत दिक्कतें आई, बहुत परेशानियाँ हुई, बड़े बड़े दुख उन्होंने देखे, लोगों ने बहुत कुछ कहा उनसे, उनकी बेटी ने कहा उनसे काफ़ी कुछ, लेकिन इन सब के बावजूद अंत तक वो सिर्फ एक ही बात कहते थे कि मुझे पक्का भरोसा है कि वो आएगा, और वो नहीं भी आया तो भी मेरी भक्ति कभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने स्वार्थ की भक्ति उससे नहीं करी है। तो ये भरोसा आपको वो भगवान के प्रति सिखाते हैं
कि कैसी भी परिस्थिति आए, अगर भगवान पर भरोसा होता है तो आप उस परिस्थिति को पार कर जाते हैं। ऐसे बोलूं वर्तमान राजनीति में धर्म राजनीति के संत समुदाय राजनीति में ज्यादा आते जा रहे हैं, आप किस नजरिए से देखते हो वर्तमान समय में संत समुदाय और राजनीति में? सबकी अपनी अपनी चॉइस है, देखिए उनको अगर सही लग रहा है, ऐसा नहीं है राजनीति खराब है। अगर आप सेवा के भाव से आए तो ज़रूर आइए, और बड़ा क्षेत्र है कि आप सेवा कर सके। हम सब यहाँ सेवा करनी ही है कि हम अपनी अच्छी बात आप सब तक पहुँचा सके। ऐसा बहुत ज्ञान नहीं, लेकिन थोड़ा भी अगर ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान वही अच्छा जो आप शेयर करें, अपने पास रखें तो क्या फ़ायदा। तो अगर आप उसको राजनीति के क्षेत्र में उसका उपयोग कर सकते हैं और बड़े लेवल पर और बड़े स्केल पर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छे भाव से और सेवा के भाव से आइए तो कोई बुरी बात नहीं। इस एज में इसलिए आपको कई नए साधु संतों की तुलना में लेने लग जाते हैं, कैसा? मैं देखिए हर बार यही कहती हूँ जितने भी इंटरव्यूज होते हैं कि मैं संत या साध्वी नहीं हूँ, मैं आप सब जैसी हूँ, जैसे घर के बच्चे हैं, घर की लड़कियाँ हैं, मैं बिल्कुल वैसी हूँ, एकदम नॉर्मल लड़की, पढ़ाई की है, परिवार में रहती हूँ, मित्र इत्यादि है, माता पिता सब हैं, जैसे एक घरेलू लड़की रहती है। तो सबका अपने अपने रुचि होती है हर जगह, मेरी रुचि भगवान के प्रति ज़्यादा है, बचपन से है, तो बस यही एक अंतर है। और शायद मैं यही समझाना चाहती हूँ, क्योंकि आज के समय में हमने एक बहुत बड़ा बहुत हाइप कर दिया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको संत बनना पड़ेगा, साधु सब कुछ छोड़ो, नहीं तो भगवान मिलते नहीं हैं। ऐसा नहीं है, आप परिवार में रहकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और आजकल के बच्चे कि हमें समय नहीं मिल रहा है, हम ये नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। जैसे आप दूसरी तरफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, थोड़ा बहुत उतना आप भगवान पर भी दे सकते हैं, और माता पिता भी अपने बच्चों को, क्योंकि मैं अपने लिए भी अपने परिवार को इसका कारण कहूँगी कि हम बचपन से, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारी परिवार का एक नियम था कि हम शाम को सभी बैठ कर हनुमान चालीसा करते थे, और हफ्ते में एक दिन कीर्तन करते थे पूरा परिवार बैठ कर। तो उससे बच्चे के मन में अपने आप भगवान के प्रति भक्ति आती है, विश्वास आता है कि जैसे हर सांसारिक चीज़ें ज़रूरी है, तो भगवान को मानना भी ज़रूरी है। तो वो चीज़ें अगर ध्यान दें तो एक नॉर्मल परिवार में रहने वाले भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इन दिनों धर्म के आड़ में या धार्मिकता के आड़ में जो पाखंड हो रहे हैं, उसके लिए समाज में आपके लिए क्या संदेश देंगे? जिस प्रकार से चल रहा है, अगर किसी पे भरोसा कर देना जैसा आप बता रहे हैं, या देवता बदल देना या संत बदल देना, क्या है व्यवस्था? देखिए मैं अपनी कथा में भी कहती हूँ कि आप गुरु बनाइए, सभी बनाते हैं, पर एक पहली बात 100 बार परख कर बनाइए। नहीं, आप परखे कैसे? देखिए हम उन्हें एक दो बार, जैसे मेरी कथा में कि आजकल का समय चल रहा है चमत्कार को नमस्कार, हम एक दो चमत्कार देखकर मान लेते हैं कि ये बहुत बहुत सही है, बहुत ज्ञानी है इत्यादि है, और हम उनको फिर भगवान की उपाधि दे देते हैं, जो गलत है। भगवान एक ही है और बाकी इंसान है, तो इंसान को आप इंसान रहने दीजिए, गुरु है बहुत अच्छी बात है, हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हम भगवान मान ले और फिर भगवान को छोड़कर उनको पूजे, उनकी तस्वीरें लगे, ये चीज़ मैं नहीं मानती। हम भगवान को भगवान रहने दीजिए, भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। दीदी आप अपनी कथा के माध्यम से ये संदेश समाज में फैला पाएंगे? कौन सी? यही संदेश? हाँ जी, मैं कहती हूँ अपनी कथा के माध्यम से, भागवत जी में, भागवत जी में होता है कि जो कथावाचक होते हैं उनको भगवान से ऊपर दर्जा मिल जाता है। नहीं, मैं इस चीज़ के लिए कहती हूँ, मैं और सब, और सिर्फ कथा में ही नहीं, मैं अलग से भी कहती हूँ कि आप भगवान ना माने, हमें भी अगर कोई कहता है, पैर पड़ते हैं, तो देखिए जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो उस समय मुझे नहीं, आप व्यासपीठ को पूज रहे हैं, तो उस चीज़ में हम मना नहीं कर सकते। पर उसके अलावा मैं ये भी पसंद नहीं करती कि आप पैर छुए या बहुत प्रणाम करें, या उम्र मेरी छोटी है, हाँ कथाकार है लेकिन भगवान नहीं है, उतना पूजा पूजनीय करना हम भगवान को करिए आप। हाँ आप बहुत इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान को भगवान मत मानिए। और आप मेरी मानिए तो ऐसे कहा गया है कृष्ण वंदे जगत गुरुम, उनसे उनको परखने की भी ज़रूरत नहीं है, कृष्ण सबसे बड़े गुरु हैं और उनके उपदेश आपके जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप उनको गुरु मनाइए और गीता जी में उनके जो उपदेश है उसे जीवन में उतारिए। ज़्यादा
जी आप जो भी पूछ रहे हो सारी बातें मैं अपनी कथा में कहती हूँ। तीसरे दिन भ्रूण हत्या के ऊपर भी पूरा एक प्रसंग चलता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मेरा कार्य है मैं इस बातों पर कहूँ। तीसरे दिन आप एक प्रसंग शुरुआत में ही आता है बेटियों को लेकर, और उस जुड़ी बेटियों से जुड़ी हर बातें, चाहे भ्रूण हत्या हो या परिवार की बातें हो या शादी की बातें हो, हर चीज़ें लाई जाती है। तो कथा के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ कथा ही नहीं, समाज में जो कुछ कुरीतियाँ चल रही है उनका भी उद्देश्य आगे लेकर हम कुछ चीज़ें बंद करें या कुछ अच्छी चीज़ों की नई शुरुआत करें। देखिए, मैं इन्हीं को बड़ी उपलब्धियाँ मानती हूँ। अब आज जिस प्रकार भक्तों की संख्या बढ़ती है, संख्या इसीलिए बढ़ रही है कि उन्हें बात अच्छी लग रही है और वो उस बात को जीवन में, क्योंकि मैं, आप अगर कथा सुनेंगे, मैं बहुत सरल बातों या सरल भाषा में सरल बातें करती हूँ, जो मुझे लगता है कि कथा से निकलने के बाद वहाँ जो भक्तगण हैं वो ये समझ ले कि हाँ ये हम कर सकते हैं। अगर मैं ऐसी कुछ बात कहूँ जो उन्हें लगेगा ये तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो बातों का फ़ायदा नहीं है। तो यही उपलब्धि है कि धीरे धीरे वो संख्या सिर्फ कथा में ही नहीं बढ़ रही है, बाकी अच्छे कार्य में भी बढ़ रही है, जिसकी बातें मुझ तक पहुंचती है कि हाँ ऐसा ऐसा बदलाव आ रहा है, ये उपलब्धि है। बाकी मैं नारायण सेवा संस्थान से भी जुड़ी हूँ, तो उस प्रकार सेवा भी हो रही है। कई बच्चे ऐसे हैं, या दिव्यांग शब्द दिया गया है सरकार की तरफ से विकलांग को, तो दिव्यांग ऐसे हैं जो अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, एक नया जीवन जी रहे हैं। तो सेवा सबसे बड़ी उपलब्धि है, और आप सबका प्यार कि आप इस कथा को इतना सम्मान और इतना प्रेम देते हैं, मेरे लिए वही सबसे बड़ी उपलब्धि है, और आप अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो संस्था कार्यक्रम कराने जा रही है, ये काफी प्रयासरत थी आपको यहाँ पे आमंत्रित करने का, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश जो, देखिए मैं अभी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कल आते ही इन सबसे कहा कि बहुत बातें हैं आपकी, बहुत बातें सुन रही हूँ मैं कि ये कथा बहुत भव्य रूप में हो रही है और बहुत नाम है इस कथा का। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे नीमच वासियों को, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं इस कथा को इतने भव्य बनाने में और भगवान का प्रचार प्रसार करने में, कि बड़ी से बड़ी संख्या में भक्त आएँ, अच्छी बातें सुने, और जैसा मैंने कहा अगर 100 आएंगे तो 10 तो अपने जीवन में उतारेंगे ही इसे, तो उससे एक धर्म का कार्य, सेवा का कार्य भी हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने कहा। वैसे आप चाहते हैं कि कई मुद्दों पर आप समाज में बदलाव चाहते हैं, पर आपका मेन सबसे बड़ा विषय क्या रहता है समाज में, किस मुद्दे पर आप सबसे ज्यादा बदलाव चाहते हैं? देखिए, ऐसे मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एक मुद्दा लेकर, दो तीन चीजें हैं जिसपे मैं इक्वल बात करती हूँ, जैसे एक भ्रूण हत्या है, एक सेवा है, कि आप जैसे भी बड़ी शादियों की बात करी गई, तो मैं अब देखिए अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप शादियां ना करें अपने मन से, तो शायद मुझे लगता है शायद ही मेरी कोई बात मानेगा। पर हाँ, मैं एक प्रार्थना सबसे ज़रूर करती हूँ कि चलिए आपका धन है, आप जैसे शादी करना चाहते करिए, लेकिन आप जब भी करें आप ये कोशिश करें उसके साथ साथ आप कुछ गरीब कन्याओं के विवाह में मदद करें, तो आपकी बेटी को और आशीर्वाद मिलेगा। आप गाड़ियाँ खरीदते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहे लाखों की, तो आप जब खरीद रहे हैं तब आप 40-50 बैसाखी किसी विकलांगों को दान कर दें, तो सेवा भी हो गई, आपकी इच्छा भी पूरी हो गई और अच्छे कार्य भी हो गए। लोकतंत्र का महापर्व की चुनाव हमारे सामने निकले हैं, कल ही रिजल्ट आए हैं, मोदी जी के प्रचंड जीत देश में हुई है, कैसे देखते हैं आप इसके ऊपर? अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं, और अब हमारे वो थे भी और वापस से प्रधानमंत्री है, तो अब हमारा सम्मान करना और 5 साल उन पर भरोसा करना हमारा कार्य है, फर्ज है। वो अच्छे कार्य करें, उस अच्छे कार्य को कंटिन्यू करें और देश को और आगे लेकर जाएं, देश को पूरे विश्व में नाम दिलाएं, इज्जत दिलाएं, कि बाहर के लोग भी अब हमारे देश को खूब नाम से और इज्जत से देखें, यही प्रार्थना है उनसे। और अब 5 साल वो कैसे शासन करते हैं देखिए। एक प्रश्न पूछ रहा था आपको मैं, आप एक अपने बल में साधारण नेता हूँ, तो आज की जो नई नीतियाँ है तो उनको क्या संदेश देना चाहिए, जिस प्रकार से वेस्टर्न जो क्षेत्र में चल रहा है तो जिस प्रकार से हम जो देख रहे हैं उसमें नई नीतियों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं युवक युवती दोनों को ही संदेश, उससे पहले मैं माता पिता को संदेश दूंगी। हम घर का माहौल जैसा रखते हैं, आज अधिकतर समय आप सिर्फ देश की बात या संस्कृति की बात करते हैं, भगवान को लेकर भी बच्चे नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके माता पिता को आधी बातें नहीं पता होती है। आज बच्चा अगर प्रश्न करता है कि भाई फेसबुक इत्यादि पे आप आए दिन फोटोज़ तो देखते ही रहते हैं कि
जो नहीं मानते उन्हें प्रश्न बड़ी जल्दी उठाना आता है भगवान पर, ऐसा ऐसा क्यों किया, जानना है तो आप किताबें पढ़िए, हर चीज़ का उत्तर है। और बच्चे अगर माता पिता से पूछ रहे हैं कि भाई भगवान ने ऐसा ऐसा क्यों किया, माता पिता को ही नहीं पता क्यों किया, तो जब आप उनकी आपको अगर मैं हमारी संस्कृति के बारे में कुछ अच्छा नहीं बताऊंगी तो आपको दूसरी चीज़ें अपने आप आकर्षित करेंगी। हम कहते हैं ना, बच्चे को घर में प्यार नहीं मिलता तो वो बाहर ढूंढता है, क्योंकि प्यार तो उसे चाहिए। तो अगर आप अपनी संस्कृतियों के बारे में उसे अच्छी चीज़ें नहीं दिखाएंगे, अच्छी बातें नहीं बताएंगे, तो वो बाहरी संस्कृति से आकर्षित क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसे हमारी अच्छाई तो पता ही नहीं है। हमारे घर में अगर हम उसे हम सही समय नहीं दे रहे हैं, सही संस्कार, मैं संस्कारों को लेकर भी कहती हूँ कि संस्कार बड़े होने के बाद नहीं दिए जाते, कि आप सोचें बच्चा अब समझदार हो गया है, अब सिखाते हैं, तो वो इतना समझदार है कि वो आपको समझदार नहीं समझता है। तो संस्कार बचपन में, जो वो बहुत छोटा होता है और आप पर निर्भर होता है, तब उसे सही गलत, भगवान, संस्कृति, इनके बारे में बताया जाता है, क्योंकि उस उम्र में बात बैठ जाती है दिमाग में, वो कभी नहीं भूलता। बड़े होने के बाद वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। घर का माहौल जैसा होगा, बच्चे उसी संस्कृति में, उसी संस्कार में आगे बढ़े। कारण के कई बार अच्छा लगता है, देखिए बहुत प्रेम है भक्तों का, पर वो प्रेम कभी कभी भाव से बहुत बाहर आ जाता है, इसलिए थोड़ा रखना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह अलग अलग होता है, कहीं पुलिस सिक्योरिटी, जैसा आप आयोजन कर सकते हैं हम वैसे रखते हैं। हमारा बस यही है कि एक सिक्योरिटी आनी, बहुत भव्य सिक्योरिटी नहीं कि एकदम ही किसी को मिलना नहीं है, लेकिन एक थोड़ा डर भी रहता है, प्लस कन्या है तो थोड़ा और ज़्यादा है, तो इसीलिए, और भाव बढ़ जाता है, क्योंकि भक्ति ऐसी चीज़ है जहाँ भाव कंट्रोल में नहीं होता आपका, तो इसीलिए थोड़ी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है।